हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी लाइफ। मैं हूं वर्षा। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं मटर मशरूम, जो कि है रेस्टोरेंट स्टाइल, और आप ग्रेवी और टेक्सचर इसका देख सकते हैं कितना रिच बना है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन रख लिया है और इसमें मैंने एक बड़ा चम्मच ऑयल भी डाल लिया है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी ये प्याज इस तरह से लंबे कटे हुए, साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी ये चॉप लहसुन। दो मिनट तक हम प्याज को इसी तरह से सौते करेंगे। प्याज को दो मिनट तक सौते करने के बाद आप देख सकते हैं कि हल्का हल्का इसमें कलर भी आना शुरू हो चुका है। अब इसमें ऐड करते हैं टमाटर, रफली मैंने काटा है टमाटर को, और एक हरी मिर्च इसी में डाल दी है। अब इसमें ऐड करते हैं थोड़ा सा पानी और अब इसे ढककर हम पकाएंगे 2 से 3 मिनट तक, जिससे कि टमाटर पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाते। 2 मिनट तक पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि टमाटर काफी सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें मैं ऐड कर देती हूँ नमक। मैं 1 चम्मच नमक इसमें ऐड कर रही हूँ फिलहाल। इसे और आधा मिनट तक इसी तरह से पका लेते हैं। टमाटर पूरी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं फ्लेम बंद कर रही हूँ और इसको रूम टेम्परेचर पे आने तक का हम वेट करते हैं। 5 से 7 मिनट लगेंगे, ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। उसके बाद इसको ग्राइंड करके बिल्कुल इसका फाइन प्यूरी बना लेंगे। प्यूरी बनकर तैयार है, कढ़ाई भी बिल्कुल तैयार है ऑयल के साथ। 1.5 बड़े चम्मच मैंने इसमें ऑयल ले लिया है। साथ में अब मैं इसमें बहुत ही कम खड़े मसाले ऐड कर रही हूँ, सिर्फ 1/2 चम्मच जीरा और 1 छोटी इलायची। आप चाहें तो आप और भी ऐड कर सकते हैं, तेज पत्ता वगैरह। जीरा क्रैकल हो चुका है, ऑयल में ऊपर आ चुका है। अब मैं इसमें ऐड करती हूँ ये हमारी प्यूरी। अब इसमें डालते हैं 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, और अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि ग्रेवी बहुत बढ़िया सा कलर नहीं दे देती और बिल्कुल रिड्यूस नहीं हो जाती। 5 मिनट इसको ढककर पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना बढ़िया हो चुका है और ये मसाला बहुत अच्छे से रिड्यूस हो चुका है और काफी ऑयल भी इसने रिलीज कर दिया है। अब इसमें ऐड करती हूँ ये 1 से 1.5 चम्मच क्रीम। आप चाहें तो आप दही भी ऐड कर सकते हैं। साथ में इसमें डालूंगी 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और अब इसमें ऐड कर दूंगी मटर। मटर डालते ही मैं अब इसमें डालूंगी पानी। अगर आप फ्रोजन मटर ले रहे हैं तो आपको पानी डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फ्रोजन मटर नहीं ले रही हूं इसलिए मुझे इन्हें गलाना पड़ेगा। तो इस तरह पानी ऐड करके अब इसे फिर से ढक के रख देंगे 5 से 7 मिनट के लिए, जिससे कि मटर गल जाए। 10 मिनट तक मटर को इस तरह ग्रेवी में पकाने के बाद अब मटर 90% तक कुक हो चुके हैं। अब ये बिल्कुल राइट टाइम है जब हम इसमें मशरूम ऐड करेंगे। बाकी के जो मटर की कसर है वो हल्की सी मशरूम के साथ निकल जाएगी। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ मशरूम्स। मैंने 1 मशरूम के 4 पीसेस किए हैं। मैंने ये 2 पैकेट्स मशरूम के लिए हैं। अब इसको फिर से हम ढककर 10 मिनट के लिए पकाएंगे। मशरूम अपना पानी खुद भी छोड़ेगी, इसलिए मैं पानी ऐड नहीं कर रही हूं। तो इसको 10 मिनट तक इसी तरह पकाएंगे और फिर ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। 10 मिनट पकाने के बाद पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि मशरूम जो है वो ग्रेवी में इस तरह से पूरी तरह से अच्छे से अब्सॉर्ब हो गए हैं और मटर के साथ मशरूम की क्वांटिटी बिल्कुल भी ज्यादा नहीं लग रही है। अब इसमें ऐड करते हैं हरा धनिया। मैं फ्रेश हरा धनिया इसमें ऐड कर रही हूँ और ग्रेवी मैंने इसकी इतनी ही रखी है जिसमें कि ये पूरी तरह से दोनों अब्सॉर्ब हुए हुए हैं। ये देखिए, आप चाहे तो आप थोड़ा सा पतला इसको कर सकते हैं, बट इस तरह से ग्रेवी बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखिए, अब इसमें ऐड करते हैं
थोड़ा सा गरम मसाला, बस अभी बिल्कुल परफेक्ट है सर्व करने के लिए। तो चलिए इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है मशरूम मटर, ये देखिए, और ग्रेवी का टेक्सचर आप देख सकते हैं, ये देखिए कितना बढ़िया टेक्सचर आया है ग्रेवी का।